आप बताएं ये प्रोसेस कैसे बनता है। भैया जी देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ देखो पूरा जड़ी बूटियाँ हैं। ये बोलने से जड़े शंकर बताते हैं इसको। हाँ, जो अपना ये जामुन का पत्ता आता है ना, वो पत्ते डालते हैं ये। और ये अपना बलमुरी है, बलमुरी एडमुरी। अच्छा। हाँ, और अपना बिरनी, और अपना गुलाब का फूल। तो इस तरह से गुलाब का फूल कितना ये रहता है? 108 जड़ी बूटी होता है। 108 जड़ी बूटी। देखिए आज हम भी उस स्थल पर पहुंच गए हैं जहां अरुण जी ये सब बनाते हैं, उनके जीजा जी हैं, काफी मेहनत करते हैं सुनील जी। तो एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाल उगाना मकसद नहीं है, इन चीजों को प्रमोट करना भी एक मकसद है। जो पुरानी कला है, जो पुराना ज्ञान है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए कितना है, और आपके घर घर पहुंचता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत डुप्लीकेसी है मार्केट में। कोई लोग आते हैं और इसी तरह के आपको डिब्बा और ये तो सेम मिलेगा, लेकिन अंदर का जो ये माल है वो अलग हो जाता है। चलिए फिर आप सबसे फिर जुड़ेंगे, बहुत धन्यवाद। देखिए आप, कई लोग अक्सर मटकेरी जाते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप हर जगह देखेंगे बहुत सारा पूछताछ शुरू हो जाता है। जैसे आप मैसूर से मटकेरी की तरफ जाते हैं कि बालों को मजबूत बनाए, तो ऐसे मैं भी उससे थोड़े बाएं और आया। पक्षीराजपुर एक जगह है जहाँ पहुँचा और अरुण जी से मुलाकात की। अरुण जी तो बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ आए हैं और इनसे बातचीत की। तो मेरी भी दिलचस्पी इसमें है, क्योंकि आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। और ये लोग जंगलों में जाके अलग अलग जड़ी बूटियों से इस तेल का निर्माण करते हैं। कई बार आप देखेंगे भृंगराज, आंवला, सीताकाई, रीठा, ये सारी चीज़ें हर शहरों में उपलब्ध है। आप उससे आप बनाते हैं तेल, खुद भी ट्राई करते हैं। कई सारी जड़ी बूटियाँ, जैसे 108 जड़ी बूटी जुटा के तेल बनाना बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा अच्छा समय बीत रहा है, देखिए किस तरह से इसको पैक किया जाता है। और ये जगह जहाँ तेल मिलता है।